इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इतना बड़ा स्कैम हुआ कैसे? छोटा मोटा नहीं, पूरे 50,000 करोड़ का स्कैम है। शेयर मार्केट स्कैम पर चेयरमैन ने तोड़ी अपनी खामोशी। आखिर इस स्कैम के पीछे किसका हाथ है? इस गेम का एक ही अल्टीमेट किंग। किंग कहाँ हो तुम? अब आएगा मजा। इस दुनिया में बस हम दो हैं, दुनिया जिनकी दीवानी है। आप सभी को तो धूम फ्रेंचाइजी बखूबी याद होंगे, जिसमें हीरो से ज्यादा विलेन को पसंद किया जाता है। इस फ्रेंचाइजी की ऑलरेडी 3 पार्ट रिलीज हो चुका है और इन तीनों के तीनों पार्ट ही ऑडियंस की तरफ से भरपूर प्यार मिला और इन सारे के सारे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई। तो वही अब लोग इसकी चौथा पार्ट को लेकर बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो वही अब धूम 4 को लेकर फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा ने कई खुलासा कर दिया है। वैसे तो धूम 4 की अनाउंसमेंट साल 2015 में ही कर दी गई थी और तब इस फिल्म की टाइटल रखा हुआ था धूम रिलोडेड, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इतनी के बाद भी धूम 4 बन नहीं पाया। अब इसको लेकर फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कई खुलासा कर दिया है। आदित्य चोपड़ा की कहना है कि धूम फ्रेंचाइजी मेरे सबसे करीबी फ्रेंचाइजी में से एक है और मैं नहीं चाहता कि इसको लेकर कोई भी गलती हो, जिसके लिए मैं इतने सालों से धूम 4 की स्क्रिप्ट पर बारीकी से काम कर रहा हूं, ताकि लोग इस फिल्म को देखते वक्त निराश ना हो जाए। पिछले 3 पार्ट की तरह इस पार्ट को भी सालों तक याद रखा जाए। और फाइनली इतने सालों के बाद धूम 4 की स्क्रिप्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब बहुत ही जल्द इस फिल्म के ऊपर काम शुरू किया जाएगा। पहले तो इस फिल्म की कास्टिंग को कंप्लीट किया जाएगा। धूम सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हीरो से ज्यादा विलेन को पसंद किया जाता है और लोगों की मन में ये सवाल है कि आखिर हमें धूम 4 में कौन सी बड़ा विलेन देखने को मिलने वाला है। इसको लेकर एक काफी बड़ी अपडेट आ चुका है। इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से एक रूमर सर्कुलेट हो रहा है कि धूम 4 में हमें विलेन की रोल में शाहरुख खान देखने को मिलने वाला है, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर सच में ही शाहरुख खान को साइन कर लिया गया है या फिर नहीं, लेकिन ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो वही बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की, तो फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन इनसाइडर सोर्स की माने तो फिल्म में हमें शाहरुख खान के साथ सलमान खान, अक्षय कुमार और भी कई बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाली है, जिससे तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्म की बजट इस बार कितनी बड़ी होने वाली है। और फिल्म की बजट इस बार 600 से 700 करोड़ रखा गया है। फिल्म को इस बार काफी बड़े स्टार कास्ट के साथ बनाया जाएगा, जिससे इस फिल्म की लेवल हॉलीवुड की लेवल पर चला जाए। वही बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो आदित्य चोपड़ा इस बार किसी नए डायरेक्टर की खोज में है, क्योंकि वक्त जमाना दोनों ही बदल चुका है, इसलिए अब धूम 4 को किसी नए डायरेक्टर की जरूरत है। और सबसे ऊपर जिस डायरेक्टर के नाम चल रहा है वो है बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद। फिल्म की शूटिंग 2025 से स्टार्ट कर दी जाएगी और इस फिल्म की शूटिंग खत्म होते होते लगभग 1 साल तो लग ही जाएगा। अब देखना यह होगा कि ये फिल्म सिनेमा हॉल्स पर कब तक रिलीज हो पाए।